तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। तो देखिए, ये स्कीम लॉन्च हुई थी दिसंबर 2017 में, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और NCDC इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। टेन्यू देखिए, 2017 में इसी लॉन्च हुआ था। टेन्यू जो है ना 2018-19 से लेकर 2022-23 तक था। ये जो पीरियड था ना, ये लोन लोन देने का पीरियड था, ठीक है। जो रिपेमेंट पीरियड है वो 2030 से 2031 तक है, विथ कोई एक्सेप्शन, कोई अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाता है ना, तो जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 2031 है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा मंथ आएगा? मतलब अप्रैल मई जून ऑफ ईयर 2031। वैसे तो जो रिपेमेंट पीरियड है वो 2030 से 2031 तक है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2031-2032 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्कीम की। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो फाइनेंशियल आउटले ना वो है 11,184 करोड़, 11,184 करोड़ टोटल फाइनेंशियल आउटले है। इसमें है क्या ना, बाइफर्केशन, बड़ा ध्यान सुनिएगा। देखो इसमें होगा क्या, नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड लोन प्रोवाइड करेगा NCDC और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को, ठीक है। और जो NCDC और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये लोन प्रोवाइड करेंगे एंड बोरोवर को हो सकते हैं, हम आगे देखेंगे। वैसे एंड बोरो आपके SHG हो गए, कॉपरेटिव हो सके, ठीक है। अब जो नाबार्ड जो लोन प्रोवाइड करेगा NCDC को ना, वो 2.5% के इंटरेस्ट सबवेंशन पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है, NCDC और NDDP को। और जो 2.5% के इंटरेस्ट सबवेंशन पे नाबार्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो 2.5% की जो भरपाई होगा ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ये नाबार्ड को देगा, ठीक है। 2.5% इंटरेस्ट सबवेंशन नाबार्ड प्रोवाइड करेगा NCDC और NDDP को, और जो 2.5% इसका नुकसान होना है इसको, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये जो 2.5% इंटरेस्ट सबवेंशन है ये इसको प्रोवाइड कर देगा। टोटल मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? 1,167 करोड़, ये मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। चलो तो 8,004 करोड़ टोटल लोन नाबार्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और 2,001 करोड़ जो एलिजिबल बोरोर होंगे, ठीक है, जैसे कॉपरेटिव्स हो गए, SHG हो गए, ये सब जो लोन लेंगे तो इनको भी कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन लेके आना पड़ेगा, 20% है वैसे, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो कुल मिला के इनका जो अपना कंट्रीब्यूशन होगा ना वो 2,001 करोड़ रुपये होगा, ठीक है। और NCDC और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दोनों मिलकर ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन करेंगे 12 करोड़ का, ठीक है। और ये अभी जो हम इंटरेस्ट सबवेंशन ऊपर की बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर देगा नाबार्ड को, जो कि नाबार्ड ने प्रोवाइड किया था NCDC को, ठीक है, रिपेमेंट कर देगा नाबार्ड को वापस, ताकि नाबार्ड को ही नुकसान ना हो। हमने फंडिंग पैटर्न देख लिया, फंडिंग पैटर्न बड़े ध्यान से देखिएगा। वैसे मैं क्या करूँगा, मैं ये जो लेक्चर है इसके PDF में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो एलिजिबल पावर की बात करते हैं अब। देखो, कॉपरेटिव मिल्क यूनियन, स्टेट कॉपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, मल्टी स्टेट मिल्क कॉपरेटिव, FPU, SHG, NDDB, सब्सिडियरीज, तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी है बोरोवर की लिस्ट का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग आराम से गेस भी कर सकते हो। जहाँ तक बात है कंपोनेंट की, देखो कंपोनेंट मतलब ऐसा कोई मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बट जनरल से बात है, वैल्यू एडिशन है, इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट है, सो नोट शेयर कर दूंगा, उससे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। देखो बात करते हैं लोन की, जो मैक्सिमम लोन प्रोवाइड किया जाएगा ना वो 80% होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोन 80% प्रोवाइड किया जाएगा, जो बोरोवर का अपना कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 20%, मतलब कम से कम बोरोवर को अपनी तरफ से 20% लेके आना होगा, अपनी तरफ से 20% लेके आना होगा। जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा बोरोवर को लोन मिलेगा वो 6.5% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और NCDC बोरो को लोन प्रोवाइड करेगी, जो लोन प्रोवाइड करेगी वो 6.5% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड करेगी। और जो टेन्योर होगा लोन रिपेमेंट का टेन्योर का, वो 10 साल होगा, इंक्लूडिंग टू ईयर ऑफ मोरेटोरियम, ठीक है। एक बड़ी आखिरी बात है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट जनरल से बात है। देखो जो भी एंड बोरो है ना, जिसको NCDC और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पैसा दे रही है, वो एक प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, और उसका पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव पॉजिटिव नेटवर्क एंड इट शुड बी अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, ठीक है। और कुछ स्कीम में कुछ खास नहीं है, बस ये जो आपका बाइफर्केशन है ना फंड का, उसको ध्यान रख लीजिएगा। नाबार्ड कितने इंटरेस्ट सबवेंशन प्रे कर रहा है NCDs को, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।